Balabong New Church Building dedication to the glory of God by Evangelist Chokra Chijang, Pastor CRCC Bomjila. On 20 September 2024, in the presence of Evangelist Sonara Degyu, Vice President APCRCC, Brother Julu Sasuso, President Tawang West Kaming and Bichom District Christian Revival Church Council, Chief Guest Mr. Gandhi Sakrenso, Senior Public Leader, Mr. Jivan Yeme, General Secretary, Aosek Bichom District, Evangelist Asu Ringa, Pastor CRC Balapong, Construction in Charge, Brother Kage Degyu, Secretary CRC Balapong. So, tali baja dega. Sir, आज आपके जो Christian Revival Church Balapong जो चर्च यहाँ उद्घाटन हो रहा है, आपको मुख्य अतिथि के रूप में सर यहाँ बुलाके कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा. क्या चेंजेस यहाँ बालपुर में देखने मिला है जब से क्रिश्चियन आने के बाद में? यहाँ क्रिश्चियन आने के बाद में बहुत चेंजेस आया है. एक प्यार मोहब्बत भरा है और हर एक चीज कम हो गया. पहले चोर चाकर भी बहुत होता था हर एक प्रकार से, मगर क्रिश्चियन जो धार्मिक को जानने के बाद में चोर भी पाप से डर गया और बहुत बदला. इंसान शांति हो गया. और हमारा यहाँ बालपुंग में हर कोई जानता है मिनी इंडिया जैसा है. मिनी अरुणाचल तो है मिनी इंडिया जैसा है. इंडिया का हर एक प्रकार का आदमी यहाँ है. आपको हमारा अरुणाचल में आदि गालो निशी निजी आका बुद्धिस्ट हर एक प्रकार का यहाँ में बसा हुआ है. तो ये क्रिश्चियन हर एक यहाँ आप देखा होगा काफी 40 कुछ चर्च है. तो अभी धार्मिक को जानने के बाद में इतना शांति हो गया. लड़ाई झगड़ा नहीं है, सब मिलजुल के रहता है हर जाति. सर आप अभी का जो विधायक है टेक्नोलॉजी का OSP भी है जी. तो ऐसे में सर हमने देखा कि ये जो रास्ता जहाँ से सीएससी जो रास्ता आता है रास्ता सर बहुत खराब है. यहाँ गाड़ी आने के लिए थोड़ा तकलीफ हो रहा है. तो ऐसे में सर आपका जो इस बार का जो मंदिर विधायक जी साहब क्या अपील करना चाहेंगे? अभी हम लोग ये रास्ता का तो DPR बना के डाल दिया है. अभी हमारा लोअर बालपुंग में आपका ये चार्ज से लेकर आपका जो रूट फाउंडेशन स्कूल से लेकर जो थाना रोड है सब बिगड़ा हुआ है, गड्ढा गुड्ढी है. तो हम लोग अभी उसको DPR डाल दिया. गवर्नमेंट को हम लोग अपील कर रहा है कि जल्द से जल्द फंड दीजिए हम लोग इसको खत्म करने के लिए. और सर चर्च देखा गया कि ऊपर का तो कंप्लीट हो गया लेकिन नीचे का जो भी कुछ जो रिमेनिंग है तो आप किस तरह से सहयोग करना चाहेंगे? और आप देखा है हम लोग का तो बहुत सारे लोग बोलता है क्रिश्चियन को स्पॉन्सर फॉरेन से करता है, मगर हम जब क्रिश्चियन में आया है देखा है तो सब एक कंट्रीब्यूट करके मंडली घर घर से कुछ ना कुछ दान देके ये चार्ज बनाता है. तो हमारा वही विश्वास है. मैं भी कुछ दूंगा और हर कोई मंडली भी कुछ ना कुछ मदद करेगा. ऐसा करके हम लोग जल्द से जल्द जो ग्राउंड फ्लोर का अनकम्प्लीट है उसको भी हम लोग जल्दी कम्प्लीट करेगा. अंत में आप क्या कहना चाहेंगे जिस तरह से ऑर्गेनाइजिंग कमेटी आप खुद इस चर्च सही है जी, फिर भी सर आपको आज यहाँ मुख्य अतिथि बुलाया और इतना अच्छा आपको सम्मानित किया है तो आप क्या कहना चाहेंगे? मैं बहुत बहुत थैंक यू. और सोचा ही नहीं है इतना कुछ गिफ्ट दिया है. और हम लोग का देखा है हम लोग का क्रिश्चियन कुछ भी प्रोग्राम होता है तो सबको गिफ्ट दिया जाता है. बहुत अच्छा लगा है. इसलिए हम ये हमारा ये हम लोग का बालपुंग क्रिश्चियन रिवाइवल चर्च का कमेटी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता है. सर आपका SBT को थोड़ा सा परिचय कर दीजिए कौन कौन है. ये मेरा काउंसिल का तवांग वेस्ट कामेंग एंड बिचम डिस्ट्रिक्ट का प्रेसिडेंट है. और ये हमारा ये CRC तवांग चर्च का पास्टर है. और ये हमारा तवांग वेस्ट कामेंग डिस्ट्रिक्ट काउंसिल का फुल टाइम वर्कर्स का चेयरमैन है. और ये जो है हमारा तवांग वेस्ट कामेंग एंड बिचम डिस्ट्रिक्ट काउंसिल का वाइस प्रेसिडेंट है. सर बहुत दिन पहले हमने एक इश्यू देखा था पूरे अरुणाचल में पिछले टाउन चार्ज को लेकर, लेकिन वो मूवमेंट सर अभी थोड़ा सा धंधा पड़ गया है तो आप लोग सर क्या आगे स्टेप दे रहे हैं? अभी तो कुछ वो नहीं है. इसके लिए तो हम लोग तो अभी प्रार्थना तो हम लोग जारी है. और
ये हमारा फिजिकल का काम नहीं है, हम फाइट करके झगड़ा लड़ाई मारपीट करके ये हम नहीं कर सकता है। तो इसको जो है हम लोग प्रार्थना के द्वारा से हम लोग और ऑफिशियली में हम लोग जाना चाहता है। तो इसलिए हम लोग तरफ से तो काउंसिल का तरफ से तो हम लोग कोशिश किया तो हम लोग से हाई लेवल लोग होता है, हम लोग का काउंसिल अंदर में भी आपसीआरसी होता है और अरुणाचल क्रिश्चियन फोरम होता है। तो वो लोग जो है रेस्पॉन्सिबल लेने के द्वारा से हम लोग जो उन लोग का ऊपर में पूरा छोड़ दिया है। यानी कि आप सीआरसी जिस तरह से डिसीजन लेंगे आप लोग जो है उनको सहमत करेंगे? हाँ, हम लोग बिल्कुल सहमत करेंगे। सर अंत में आप लोग का जब इस तरह आज जो हटाऊ वेस्ट कमिंग बीच में आप लोग जो काउंसिल मेंबर है तो आप लोग तरफ से क्या मैसेज यहाँ बालकुंड के लोगों को छोड़ के जाना चाहेंगे? क्योंकि यहाँ पे सर आपको बहुत सारा रिलीजियस है, मुस्लिम है, हिंदू है, क्रिश्चियन है, कई सारे हैं। तो सर आप लोग तरफ से क्या मैसेज आप छोड़ के जाना चाहेंगे कि जो लोग जो है क्रिश्चियनिटी को बुरी नजर से ना देखे, मिलकर चले दूसरे को? हाँ, ये तो बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। जो हम लोग यहाँ में देखने से क्रिश्चियन जो है बहुत ज्यादा है, तो ऐसे होने का कारण से आज बहुत सारे लोग से भी हम लोग सुना है क्रिश्चियन ज्यादा होने का कारण से बहुत कुछ करप्शन जो है कम हो गया। तो कल को भी मैं ये आने वाला दिन को भी मैं विश्वास करता है कि यहाँ के लोग अभी भी बहुत अच्छा लोग है, यहाँ में सब क्रिश्चियन हो करके चेंज हो गया है। तो आने वाला कल को भी इसी ही चेंज करके और सब धर्म को मिल करके एक दूसरे का खिलाफ नहीं हो करके और सच्चाई रास्ता में जो चलने के लिए हमेशा कंटिन्यू जारी रहना चाहिए। यहाँ आज जो चर्च डेडिकेशन क्या है, तो यहाँ चर्च नहीं था क्या? जो न्यू चर्च यहाँ बना रहे हैं, मतलब क्या है इसका? तो सबसे पहले मैं आरंभ में मीडिया आपको धन्यवाद, थैंक यू, आपने आप कवरेज करने आया है। एक्चुअली हम लोग यहाँ में चर्च था, हम लोग बहुत एक छोटा सा एक चर्च था उधर में, जो पुराना छोटा सा एक चर्च था, मगर हम लोग ने सारे शेयर से बल्बों का बिलीवर्स लेकर हम लोग डिस्कशन किया कि क्योंकि मंथली बढ़ गया तो हम लोग चर्च को अच्छा से एक चर्च बनाएगा बोल के हम लोग मीटिंग पास किया। तो इसलिए मीटिंग जैसे पास किया 2022 में हम लोग मीटिंग पास करके हम लोग शुरू किया। तो अभी आज का दिन में हम लोग इस 2024 सितंबर 20 को हम लोग ये जो चर्च को डेडिकेशन करने का हम लोग ईश्वर ने समय दिया। तो सर आज ये जो है आपका डेडिकेशन में कौन कौन सा कौन कौन आया गेस्ट के रूप में? और डेडिकेशन में सबसे पहले इस चर्च को डेडिकेशन करने के लिए जो स्पीकर है हम लोग का मिनिस्टर, डेडिकेशन मिनिस्टर है हम लोग एवेंजेलिस्ट चोकरा चिजन, पास्टर शशि बोमडिला और सर्विस लीडर में है एवेंजेलिस्ट द्रोपम जी चोंगरू जी, वो जो दिरंग से आया है। और जो इस चर्च को चीफ गेस्ट के रूप में आज डेडिकेशन में आया है जो बेनगर ग्रांडी साकंसो सीनियर पब्लिक लीडर जो हम लोग का साथ में आया है, और गेस्ट वर्नर के रूप में ब्रदर जीवन यामी जो आज हम सुबह बीच में आया है गेस्ट के रूप में, और जितना भी काउंसिल के प्रेसिडेंट सेक्रेटरी वोमेन यूथ सब लोग आज का इस चर्च डेडिकेशन में सब लोग आया है। सर आप लोगों ने ये चर्च बहुत ही बड़ा यहाँ खड़ा किया है, तो सबसे बड़ा चैलेंजेस क्या फेस करना पड़ा सर आपको? चैलेंजेस हमें इसलिए इतना फेस करना पड़ा क्योंकि हम लोग जितना भी हम लोग यहाँ में इस चर्च को इतना बड़ा बिल्डिंग बनाया, हम लोग बाहर से हम लोग डोनेशन नहीं किया, हम लोग किसी से नहीं मांगा है, हम लोग ओनली यहाँ बिलीवर्स सीआरसी चर्च बालकुंग बिलीवर्स हम लोग अपना ओन कंट्रीब्यूट करके एक एक जो नौकरी वाला एक महीना का सैलरी दिया, और जो विल विशर है हम लोग ने जो अपना अपना एक एक जो सीखने वाला कंट्रीब्यूट करके हम लोग इस बड़ा चर्च को हम लोग आज ओपन कर पाया। इस खुशी के माहौल में आपको ऐसे मिनिस्टर यहाँ पे इन्वाइट किया है, आप कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा है। और आप क्या आप प्रार्थना यहाँ के लोगों के लिए करना चाहेंगे, क्या बात रखना चाहेंगे? यहाँ के लिए यही प्रार्थना है, मेरा तरफ से हमेशा यही प्रार्थना रहेगा और पहले से भी यही प्रार्थना है यहाँ का लोग, क्योंकि आप जानते हैं बालकुंड तो एक ऐसी जगह है यहाँ में बहुत सा फ्रेश म्यूट यहाँ में रहता है ना, और इसके बाद ये लोग ये इतना मिलकर इतना बड़ा चर्च बनाया है और अपना कंट्रीब्यूट करके ना ईश्वर का महिमा के लिए बनाया, यही चाहता है कि हमेशा ये लोग मिलकर इसी तरह जाति जितना भी यहाँ में ट्राइब्स है इसी तरह मिलकर यूनिटी होकर अपने में भी आगे बढ़े और ईश्वर का में भी आगे बढ़े, और आने वाले दिनों में यही मेरा तरफ से प्रार्थना रहेगा। और भी यहाँ में बहुत कुछ कंस्ट्रक्शन डेवलपमेंट है, उसको भी अच्छा से कर सके और ईश्वर का काम में भी अच्छा होगा, ये प्रार्थना मेरा तरफ से और ये इंकरेजमेंट है। सर आपके तरफ से आज जब मैसेज आपने कन्वे किया है, वर्ड ऑफ गॉड आपने शेयर किया, तो क्या क्या बात आपने रखा है? हमने आज जस्ट आगे भी आपका द्वारा मैंने वही बोला है, यहाँ मुस्लिम ने थोड़ा जस्ट इंकरेजमेंट हम थोड़ा किया है क्योंकि यहाँ का लोग को इतना सुंदर बड़ा चर्च बनाया है, और बनाने के बाद अगर आप मिलते नहीं रहेगा
और ईश्वर का काम को आगे नहीं बढ़ेगा तो ये चर्च इतना सुंदर बनाना तेरे बेकार का होगा। इसलिए मेरा तरफ से यही इंकरेजमेंट है कि आप लोग जैसा आप लोग मिलकर इतना बड़ा कदम उठाया, इतना सक्सेस कराया है, और भी मिलकर अच्छा से रहिए और भी अच्छा अच्छा काम कीजिए। बोलते मेरा तरफ से यही ईश्वर का वचन को मैं इंकरेजमेंट किया है। मैडम, हमने एक चीज देखा है, कहीं भी इस तरह से जो प्रोग्राम होता है तो वुमेन का आपस में यूनिटी थोड़ा कम रहता है, लेकिन आप लोग का ये जो है क्रिश्चियन युवा चर्च बालकों का जो वुमेन इतना यूनिटी आप लोग रहता है, तो उसका बारे क्या बोलना चाहिए? उसके लिए तो हम एकदम दिल से ईश्वर का धन्यवाद देना चाहता हूँ। उसके बाद में एस एन वुमेन सेक्रेटरी अभी हम 6 ईयर्स होने जा रहे हैं, 2-3 ईयर। तो हम लोग जो सचमुच का यूनिटी का बिना, उसके बाद में हम लोग टीम का बिना जो अधूरा होता है, लेकिन हम लोग का सीआरसी बालकों चर्च जो एसएनई है, सचमुच का इतना यूनिटी होता है। उसके बाद में जो लीडर बनता है, लीडर के पीछे में ऐसे खड़ा रहता है, तो हम लोग का टीम जो इतना स्ट्रॉन्ग होने का वजह से आज हम लोग इतना बड़ा ईश्वर का काम कर सका है। इससे तो एस एन वुमेन सेक्रेटरी होने का नाते हम लोग का सीआरसी बालकों चर्च में भी जितना भी जो लीडर्स है, जितना भी वुमेन है, इतना ईश्वर का काम में यूनिटी और टीम में स्ट्रॉन्ग रहने के लिए उन लोगों को भी हम धन्यवाद देना चाहता हूँ। एस एन वुमेन सेक्रेटरी तो हम लोग जो स्ट्रॉन्ग जो टीम जो बहुत स्ट्रॉन्ग है हम लोग का सीआरसी बालकों चर्च में। और मैडम, जब भी इस तरह का जब चर्च या कुछ भी प्रोग्राम होता है तो वुमेन की तरफ से भी कंट्रीब्यूशन बहुत रहता है, तो आप लोगों ने क्या कंट्रीब्यूशन किया ये चर्च बनने में? यहाँ में हम लोग ने सचमुच का बहुत सा वुमेन लोग का कंट्रीब्यूशन है इस चर्च में। तो इतना बड़ा चर्च बनाने में वुमेन लोग ने एस एन कुकमैन बांग की भी हम लोग ने चैरिटी किया है, उसके बाद में सामान को बेच बिक्री करके भी हम लोग ने चैरिटी किया है। तो बहुत सा वुमेन लोग का कंट्रीब्यूशन है, यहाँ में एकदम मेहनत किया है। तो बहुत सा वुमेन लोग तो ऐसे भी है कि ऊपर वाला ने अच्छा खासा ब्लेस देकर रखा है, खुद के लिए जैसे चैरिटी वर्क नहीं करते है, काम नहीं करते है, फिर भी ईश्वर का नाम से हम लोग ने सामान लेके बिक्री किया है, बहुत सा बहुत कुछ बना के हम लोग ने बिक्री किया है। तो ऐसे करके हम लोग ने बहुत सा इस चर्च में हम लोग ने सपोर्ट किया है वुमेन लोग। जिस तरह से आप इतना बड़ा जो चर्च जो करा हुआ है, जो हुआ है, इसमें बहुत सारा लोगों का आशीर्वाद होता है, कंट्रीब्यूशन होता है, तो आप लोग पर्टिकुलर किसी का नाम लेना चाहेंगे या किसको आप थैंक यू बोलना चाहेंगे? अभी पर्टिकुलर नाम तो हम लोग नहीं ले सकेगा, सचमुच का बहुत से लोग ने, जैसे पर्दा में बोलो, जैसे सोफा से लेकर हर एक चीज में बहुत से लोग ने हम लोग का कंट्रीब्यूशन दिया है। तो सचमुच का ये आपका चैनल के माध्यम से सभी को एकदम दिल से हम लोग थैंक यू बोलना चाहूंगी। बहुत से लोग ने मदद किया है हम लोग का हर एक चीज में, पैसा जिसको भी हम लोग ने मदद के लिए मांगा है, और लोग ने कभी ना नहीं किया है, और लोग सबने हम लोग का मदद किया है। और जितना लोग भी जिसने जिसने भी हम लोग का मदद किया है, अभी जो ये अगर ये देख रहा होता तो आप इस चैनल में आप लोग देख रहा होगा, तो आप सभी को एस एन पर्सनली हम लोग थैंक यू नहीं बोल सका, लेकिन इस आपका चैनल के माध्यम से सभी को जितना लोग ने हम लोग का मदद किया है एकदम धन्यवाद देना चाहता हूँ। हर एक चीज से लेकर और लोगों ने बाहर से बहुत मदद मिला है, अपना आदमी लोग से, रिलेटिव ऐसे रिलेटिव से, बाहर बाहर से लोग से बहुत मदद मिला है हम लोग को। मैडम, चर्च देखा है आप लोग का नीचे जो है अभी भी थोड़ा सा इनकम्प्लीट है, जैसे में आप लोगों से क्या अपील करना चाहेंगे कि लोग प्रार्थना करें आप लोगों के लिए कि नीचे भी जल्दी बन जाए? वे सभी से ये प्रार्थना मदद मांगना चाहता हूँ, उसके बाद में ये ही अपील करना चाहता हूँ, जैसे चर्च बनाने में बहुत से लोग ने मदद किया था हम लोग का, प्रार्थना से लेकर फाइनेंशियल से लेकर सभी लोग ने मदद किया है, कि सभी से हम यही अपील करना चाहता हूँ ताकि हम लोग का नीचे अभी जो इनकम्प्लीट होके रखा है वो जो हम लोग बहुत सा उसमें भी हम एम्बिशन है इसका करने के लिए, ऐसे पासिंगर बनाने के लिए, उसका बाद में वुमेन ऑफिस बनना है, वो सब के लिए भी अभी भी बहुत कुछ काम करना बाकी है। तो सभी से यही अपील करना चाहता हूँ कि जैसे हमेशा आप लोग साथ दिखे आया है, फाइनेंशियल से, फिजिकली से, मेंटली, हर एक चीज में प्रार्थना से साथ देते आया है, हमेशा ऐसे साथ देते रहे, ये मेरा तरफ से वो अपील करना चाहता है हम लोग का तरफ से। थैंक यू मैडम।